लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। चार बार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का काम किया। उसके साथ साथ भाई भतीजेवाद का जो सफर रहा, पूरी संस्था परिवार तक ही सीमित रह गई। अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। देखिए, मुद्दा केवल एक है, वो है विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी है, उन्होंने संकल्प भी लिया है, इस देश को हमको विकसित देश बनाना है। और विकसित देश केवल एक व्यक्ति से नहीं बनेगा। जब 140 करोड़ की जनता जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस अभियान को सफल बनाने का काम करेगी। और फूलपुर में विकसित भारत अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। सर, आप तीन बार की देखिए, फूलपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखिए आप, तो पिछले सालों में हम लोगों ने फूलपुर में विकास को एक नई रफ्तार दी है। जहां आप देख रहे हैं कि 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, चाहे आप शास्त्रीपुर से हाईवे को जोड़ने का काम देख लीजिए, चाहे आप जो है फाफा माऊ से सांसों तक 4 लेन की सड़कों को देख लीजिए, चाहे आप जो है यहाँ पर तमाम पावर हाउसेस बने हैं उसको देख लीजिए, यहाँ पर CSC और PSCOں का निर्माण हुआ है उसको देख लीजिए, यहाँ पर रिंग रोड का निर्माण चल रहा है फेज 1 का, जो कि 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, यहाँ पर कई फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, गांव-गांव में पानी की टंकियाँ लग रही हैं, हम लोगों ने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, लगातार चौराहे चौराहे पर हाई मास्ट और प्रकाश की व्यवस्था करने का काम किया है, लोगों के इलाज के लिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है अनुदान देने का काम किया है। हमारा कहने का जो मकसद है कि फूलपुर विकास की रफ्तार में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इस फूलपुर लोकसभा को हम लोग आदर्श लोकसभा बनाने का काम करेंगे। फूलपुर में अब तक कोई नई फैक्ट्रियां जो है जन्म नहीं ले पाई है, जब जो भी है पुराना ही है, तो इसमें क्या कहेंगे आप इस बात? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खासकर महिलाओं के लिए, उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गाँव-गाँव स्वरोजगार की योजनाएँ शुरू करने का काम किया है। आज गाँव में जाइए तो बड़ी संख्या में महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। आने वाले समय में हम जरूर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी परियोजनाओं को, बड़ी परियोजनाओं को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार भाजपा पर निशाना साधा है, उन्होंने हर बार ये कहा है कि भाजपा जो है वैक्सीन, जो कोविशील्ड की जो कंपनी है वैक्सीन से उन्होंने चंदा लिया है, जिसकी वजह से आज जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बात ऐसा है कि अखिलेश जी का जो अनर्गल प्रलाप है आज पूरा देश देख रहा है। 4 बार उनको मौका दिया, उनके परिवार को मौका दिया, और उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का काम किया, विकास की रफ्तार ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ भाई भतीजावाद के साथ सारी संस्थाएं परिवार तक सीमित हो गई। तो इसलिए आज समाजवादी पार्टी से जनता की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और ये लोग जनता से कट भी गए हैं। इनके पास न तो कोई विजन है, न तो कोई नीति है, न तो कोई कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक है कि इनके पास इस तरीके से बातों के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। अब की बार 400 पार का जो भाजपा नारा दे रही है, इस बार कितना सफल रहेगा? ऐसा है कि ये जनभावना है, आप जाइए गाँव में, जाइए शहरों में, जाइए लोगों के बीच में बैठिए, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में खासकर देश और प्रदेश और ज़िले में एक विकास की रफ्तार दी है, दुनिया में देश का नाम आगे बढ़ा है, और अगर एक लाइन में कहा जाए तो विकास भी और विरासत भी, तो स्वाभाविक है कि जो जनभावना है उसी के अनुरूप जो है हम लोग और पार्टी कह रही है कि 400 पार हों।